नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है इन्वेस्ट इन स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं TTML के स्टॉक यानी कि टाटा टेली सर्विसेस महाराष्ट्र लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, अगर आज के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो स्टॉक के अंदर आज जो गिरावट है वो देखने को मिली है। 4.56% की जो गिरावट है वो आज हुई है, यानी कि स्टॉक का प्राइस जो है वो 70 पैसे डाउन हो चुका है। ओवरऑल अगर प्रीवियस क्लोजिंग देखी जाए तो 15 रुपये 35 पैसे प्रीवियस क्लोजिंग थी। 52 वीक का जो हाई था वो 22 रुपये 80 पैसे, 52 वीक का जो लो था वो 1 रुपये 80 पैसे, यानी कि कुल मिला के स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल कहा जा रहा था 15 रुपया, कि 15 रुपये के लेवल पर अगर स्टॉक वापस से रिवर्स होता है तो इसमें अच्छा कमबैक जो है वो देखने को मिलेगा आने वाले टाइम पे। लेकिन आज स्टॉक ने अपना जो सपोर्ट लेवल था उसको ब्रेक कर दिया है। अगर 4-5 दिन पहले की बात की जाए तो स्टॉक अगर आप देखेंगे तो 14 रुपये 95 पैसे पर ट्रेड कर रहा था, तो अचानक से एक मूव आया, 15 रुपये 65 पैसे पर ट्रेड हुआ स्टॉक और वापस से 16 रुपये का लेवल को टच किया। तो जहाँ पर एक उम्मीद लग रही थी कि स्टॉक वापस से 20-21 रुपये के लेवल पर आएगा, लेकिन उसके बाद स्टॉक के अंदर जो गिरावट है वो हुई और काफ़ी 2-4 दिनों तक स्टॉक ने जो है 15, 15.5, 15, 15.5 पे ट्रेड किया। लेकिन अचानक से जो है अब स्टॉक जो है अपना सपोर्ट लेवल जो है वो तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कहने का साफ मतलब है कि स्टॉक के अंदर जो अब गिरावट है वो और होगी आने वाले दिनों में। मैंने अपनी लास्ट वीडियोज में भी बताया था कि स्टॉक का प्राइस जो है वो 12 रुपये से नीचे भी जा सकता है, और जितने भी लोगों के पास स्टॉक पड़े हुए हैं तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर आप लोगों ने हायर लेवल पर पैसा लगाया था यानी कि 21-22 रुपये के लेवल पर पैसा लगाया था, 18-19 रुपये के लेवल पर पैसा लगाया था, तो आप लोग होल्ड कीजिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को बिल्कुल भी यहाँ पर चिंता नहीं लेनी है किसी भी प्रकार की जो लोअर सर्किट लगा है। और अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको जहाँ भी प्रॉफिट दिखे अपना प्रॉफिट जरूर बुक कीजिए। अगर मैं 1 साल पहले का ग्राफ दिखाऊं आप लोगों को तो 1-2 रुपये का स्टॉक था, 3 रुपये 4 रुपये या 5 रुपये के लेवल पर भी बहुत सारे लोगों ने दबा के खरीदारी यहाँ पर की होगी। और जिन लोगों के पास अभी स्टॉक पड़े हुए हैं उन लोगों को डायरेक्टली सजेशन दूंगा कि दोस्तों आप अपना जो प्रॉफिट है वो बुक कर लीजिए, यानी कि एग्जिट मत होइए, अपने कैपिटल के साथ साथ अपने प्रॉफिट का भी जो 50% मार्जिन है वो निकाल लीजिए। यहाँ पर 50% जो हिस्सा है वो निकाल लीजिए और प्रॉफिट के ऊपर जो गेम है वो खेलिए, क्योंकि स्टॉक के अंदर गिरावट आने वाले दिनों में और देखने को मिलेगी। और अगर बात की जाए फ्रेश बाइंग की तो मैं बिल्कुल भी सजेशन नहीं दूंगा इस लेवल पर, क्योंकि लोअर सर्किट लगा है, अभी स्टॉक कितना गिरेगा वो कोई नहीं जानता। और अगर आप 1-1 रुपया भी बचाते हैं तो वो बहुत बड़ी अमाउंट होगी स्टॉक मार्केट में। तो अगर इसके अंदर गिरावट होती है तो आपको बहुत अच्छे लेवल मिलेंगे नया पैसा लगाने के लिए, फ्रेश बाइंग करने के लिए। और जिन लोगों ने यहाँ पर पैसा होल्ड करके रखा है तो वो अप्रोक्सीमेट 10 या 15 साल तक होल्ड करें, तब जाके अच्छे रिटर्न्स आने की उम्मीद है। क्योंकि देखिए दोस्तों, रिवर्सल तब आएगा जब स्टॉक में कोई नई अनाउंसमेंट होती है या नया कोई प्रोजेक्ट जो है वो टाटा सन्स लेके आती है। हालांकि ओवरऑल अभी की जो परफॉर्मेंस थी वो केवल और केवल सुपर ऐप की वजह से थी। Q3 में भी स्टॉक ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया, एवरेज जो परफॉर्मेंस है वो देखने को मिली है। ऑपरेटर एक्टिविटी यहाँ पर डेफिनेटली थी, और आने वाले दिनों में अगर दोबारा से ऑपरेटर एक्टिविटी होती है तो दोस्तों ऑपरेटर एक्टिविटी जो होगी वो 10-12 रुपये के लेवल पर देखने को मिल सकती है। और अगर आप ऑपरेटरों के साथ बने रहेंगे शॉर्ट टर्म में तो आप यहाँ पर पैसा बना पाएंगे शॉर्ट टर्म में। लेकिन मैं ज़्यादा फोकस करूँगा लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाना चाहते हैं तो TTML के स्टॉक से तो बिल्कुल दूर रहें इस लेवल पर, और एग्जिट होने के लिए मैं यहाँ पर किसी को नहीं कहूँगा, क्योंकि आने वाले दिनों में टाटा ग्रुप जो है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेगा, एक्सपेंड होने वाला है। तो TTML के स्टॉक में भी एक्सपेंशन देखने को मिल सकती है, लेकिन उसमें अभी काफ़ी ज़्यादा समय है। न्यूज़ के बेसिस पे स्टॉक में जो ग्रोथ है वो हुई थी। वहीं अगर बात की जाए रिवर्सल की तो स्टॉक में रिवर्सल कब आएगा, जब तक कोई अच्छी क्वांटिटी यहाँ पर बाय नहीं होती है, चाहे वो ऑपरेटर यहाँ पर अच्छी क्वांटिटी बाय करें या फिर कोई और इन्वेस्टर आकर यहाँ पर पैसा लगाएं। कहने का मतलब कि अच्छी भली जो खरीदारी यहाँ पर नहीं होती है सेलर से भी ज़्यादा, तब तक स्टॉक में जो है वो रिवर्सल देखने को नहीं मिलेगा। प्रेजेंट टाइम पे यहाँ पर सेलर्स ज़्यादा हैं, सभी लोग यहाँ पर घबराए हुए हैं, जिन लोगों ने भी पैसा लगाया हुआ है सभी लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो ऐसे लेवल पर आकर अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहेंगे तो आपका पैसा डेफिनेटली लॉस में जाएगा।
बिल्कुल भी मत खरीदिएगा दोस्तों। और साथ के साथ वीडियो के साथ बने रहें, हम अपनी हर वीडियो में सजेशन दे रहे हैं TTML के बारे में, तो वीडियो को फॉलो करते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और आने वाले दिनों में आपको ऐसी और भी अपडेटेड वीडियो जो है वो मिलती रहेंगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।